ये जो तेरा हुस्न जमाल है, उस कुदरत का कमाल है, सिंपली ये बहुत प्यारी लग रही। ऐसी बनी सवरी राह करो छिलकती हो, ताकि मुझे ये पता हो कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो बेगम का फ्रेश चेहरा देखकर मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। मुझे ये सब करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मामी जान को ये चेंज पसंद नहीं आएगा। ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगा? और अगर उन्हें पसंद ना आए तो बस उनसे कह देना उनके बेटे का हुक्म है। अच्छा जनाब, तो आप ये बात खुद जाकर मामी को कह दें। मैं क्यों कहूं, तुम कह दो ना। वैसे बहुत बातें बनाना आ गई तुम्हें। हाँ, बातें बनाना तो मुझे आ गई है। वो क्या कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जी नहीं, कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बस कर दे। कितनी अच्छी लगती हो तुम हंसते पे, प्लीज इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो। आपकी हंसी भी बहुत खूबसूरत है। आपको याद है जब आप छोटे थे या हमारे घर आते थे तो कितनी शरारतें करते थे और सब कितना हंसा करते थे। वैसे पता ही क्या, मुझे ना तुम्हें तंग करके बहुत मजा आता है, तब मुझे बहुत हंसी आती है। हंसूं? वेरी फनी। हट जाए आप भी ना। मुझे बगैर बताए आने का ये नुकसान हुआ कि मैं तुम्हें वार्म वेलकम नहीं दे सका। बताकर आती तो क्या करती? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्या करता? मैं फूलों की बारिश कराता, तुम्हें बुके पेश करता और सारे स्टाफ से तुम्हारी इंटरेक्शन कराता और साथ साथ तुम्हें सीईओ की डेजिग्नेशन भी देता। मतलब मैंने सरप्राइज देने के चक्कर में अपने नुकसान कर लिया। तो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी? हाँ, लेकिन साथ में मैं ये भी देखना चाहती थी कि इस नए ऑफिस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब? जॉब से निकाल दिया बबली को मैंने। मुझसे पूछे बगैर? क्यों, नहीं निकाल सकती मैं? तुम बबली को मुझसे पूछे बगैर हायर कर सकते हो, मैं तुमसे पूछे बगैर फायर नहीं कर सकती। बिनी मेरी जान, वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी रिश्तेदार है, बहुत ज्यादा जरूरतमंद थी, इसीलिए मैंने उसे जॉब पर रखा। अभी मुझे अंदाजा हो गया तुम उसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। कहां से जरूरतमंद लगती है वो तुम्हें? जो कपड़े पहनती है, जो अदाएं दिखाती है, इस ऑफिस के मालिक को पटाने के चक्कर में है वो। Oh my God, are you serious? हाँ, तुम ऐसा सोचती हो? बल्कि तुम उसे तंकीद नहीं कर रही, मुझे तंस मार। You don't trust me? मोहब्बत है ये, कोई तुम पर नजर डालेगा तो आंखें नोच लूंगी, कोई छूने की ख्वाहिश करेगा तो हाथ काट दूंगी। बहुत पजेसिव हूं मैं तुम्हारे लिए, बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बिनी, बात कहूँ तुमसे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं तुमसे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम पजेसिव हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा पजेसिव हूँ। आई लव यू मोर। अब एक अच्छी सी स्माइल दे मुझे। Exactly. और एक अच्छी सी कॉफी ऑर्डर कर दो। अब तो तुम बॉस हो ना, बॉस प्लीज ऑर्डर। ऑफिस से घर आते हो और फिर सीधा कमरे में घुस जाते हो, कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारा करो बेटा। मामा बस थकावट ना होता हूँ कि पहले भी तो ऑफिस जाते थे, रात को 12-12 बजे तक रूसा के साथ घूमते फिरते थे,
तब तो थकते नहीं थे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मामा। मेरे बच्चे तो हो ना, फिक्रमंद हूँ तुम्हारे बारे में। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से तन्हा उदास। कुछ नहीं हुआ, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगता है अरुसा दुनिया की आखिरी लड़की है? माशाल्लाह मेरे बच्चे को अरुसा से लाख दर्जा बेहतर लड़की मिल सकती है। तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने आप को संभालो, उसके बाद जब तुम मुझे मुझे खुद इजाजत दोगे तो फिर मैं कोई अच्छी सी लड़की। मामा प्लीज, अभी तक मैं उस तकलीफ और उस कर्ब में हूँ, अरे रहे सोग से निकला नहीं। कब तक मनाओगे ये सोग? मैं कहती हूँ खत्म करो। रोज़ा मेरे बचपन का इश्क, इतना आसान नहीं खत्म करना। सब कुछ देखने के बावजूद मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुमने साफ साफ देख लिया, उस धोखेबाज फ्रॉडी इंसान की बेटी उसी की तरह निकली। भली मैंने उस लड़की को इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कबूल किया था, लेकिन जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मैं उसे कोई रियायत नहीं दे सकती। ये मत सोचना कि तुम कभी भी उसे वापस लेकर आओगे। दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो खो के पछताना क्या। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे अंदर बीनी से बदला लेने की आग भड़क रही है। जहां इतना सबर कर लिया वहां चंद दिन और सबर कर लिया। अभी तो कारकर्दगी दिखाकर मैंने बीनी के बाप से मजीद पैसे निकलवाने हैं। बहुत पैसा है उस बंदे के पास। बस मेरी जान चंद माह, सिर्फ चंद माह सबर करिए। क्या सोच रही? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या? यही कि तुम अपना ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं करती हो, तुम्हारा रूम भी है। बिनी देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऑफिस में बहुत ज्यादा ओवरलोड है काम का, अकेला मैं सब तो नहीं देख सकता ना। यू हैव टू जॉइन द ऑफिस। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी ना तो मैं अपने दूसरे ऑफिस को देख सकूं। कौन सा दूसरा ऑफिस? ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें नहीं बताया, एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक नया ऑफिस खोला और उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे टाइम देना होगा, मगर मैं तो यहाँ फंसा पाऊँ। कैन यू हेल्प मी? ओके, मैं वैसे ही घर में बोर होती रहती हूँ और कोई काम करने को नहीं होता, सो आई जॉइन। डन समझो मैं? डन, आई एंजॉय इट। यू विल अ लॉट। चलो मैं लेट रही हूँ। अब आएगा मजा। वैसे आप भी कितना अच्छा लग रहा है, इतने महीनों बाद हम दोनों ही साथ इकट्ठे अपने कमरे में, जैसे शादी से पहले होते थे। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम होता है ना ऐसे कि हम दोनों एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हों। अरे
देखो मोहसिन कॉल कर रहा है। अरे वाह, मोहसिन भाई ने तो बिल्कुल उसी वक्त कॉल की है जैसे शादी से पहले करते थे। मैं भी बताती हूँ इसे। नहीं आप ही, मोहसिन भाई को मैं बताना, पता नहीं क्या सोचेंगे और वो पूछेंगे तो वजह क्या बताओगी? अपनी बेइज्जती होगी, प्लीज कुछ मत बताओ। अच्छा बाबा नहीं बताती, तुम बिना इंसान का खून खुश कर देती हो। अच्छा बोलना नहीं, सही है? हेलो। हाँ नहीं, जाग रही थी। तुम क्या कर रही थी? वलीद ने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, कैसी हूँ, कुछ जो कुछ हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, सच है या झूठ। मैंने कसम तक उठा ली, तब भी उन्हें यकीन नहीं आया। क्या वो मुझसे इस कदर बदगुमान हो गए हैं? राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं, तू ही समझ ना पाए। उन्होंने मेरी मोहब्बत भुला दी, कितने बड़े बड़े दावे किए थे, सब आरजी खोखले और झूठे थे। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी न छोड़ा, ओ जालिमा। ये दोनों तो अजीब है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, ना वो उसे कॉल करता है ना ये उसे कॉल करती। और एक मौसम है, दो दिन हुए मुझे आए हुए, ऐसे बिताव हो रहा है जैसे सत्या हो गई। अम्मी, अम्मी ये देखिए ये बैंक से आया है। क्या नया बिल आ गया अब? नहीं अम्मी ये बिल नहीं है, ये तो बैंक का नोटिस है। बैंक का नोटिस? इसमें तो लिखा है कि 2 लाख की रकम ली हुई है जिसपे 50,000 रुपए सूद देना है और 5-6 महीने से अदा भी नहीं की हुई, तो उसका नोटिस आया ये तो। अरे गलत पता लिखा होगा, मैंने कौन सा बैंक से लोन ले लिया मुझे नहीं पता कुछ भी। एक मिनट अम्मी, ये कहीं वो तो नहीं है वो जो अब्बू ने बैंक से लोन लिया था, वो छोटे कारोबार के लिए, मुझे नहीं पैसे देने थे जिसके। अरे नहीं साइमा, मैं तो 1 महीने से तुम्हारे अब्बू के पीछे पड़ी हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया है वो लोन नहीं दे रही है अब हुकूमत। अम्मी अब्बू ने झूठ बोला है आपसे, बैंक ने ना 5 महीने पहले पैसे दे दिए हुए अब्बू को, ये डेट लिखी हुई है इस पे। इसका मतलब कि अब्बू ने वो सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, अब हमारे लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई लिखी हुई है। अब आ जाएंगे वो बैंक वाले, आएंगे धमकाएंगे और आप पे आएगा सारा ब्लेम, आपको ही पकड़ेंगे आके, साइन हुए में ना आपके, देख लें जरा गौर से। बस अब तो बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ, अल्लाह ही बचाएगा अब हमें, बस इस मुसीबत में फंसा दिया अब्बू आपने हमें। हाँ चलो ये तो अच्छा हो गया, और वो नया ऑफिस उसका भी तो विजिट करवाओ। डैड डेफिनेटली मैं आपको विजिट कराता मगर वो आपके काबिल है नहीं। क्यों? डैड यूं समझ ले एक छोटा सा केबिन है और अच्छा नहीं लगता मैं आपको वहाँ ले जाऊँ, और जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास है मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही मेरे पास पार्टनर्स हैं, बस जज्बा है और लगन है कि आई विश कि मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। अल्लाह मेरी मेहनत देख रहा है, आई होप अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करे। इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं, कीप इट अप। डैड आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई होप आप मुझे मायूस नहीं करें। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जैसे मेहनती और डिवोटेड लड़के तो प्यार करता हूँ मैं उनसे, तुम्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई मदद चाहिए हो मेरे पास जरूर। तुम्हारा ऑफिस भी बीनी के ऑफिस से कम नहीं होगा। आई एम सो लकी डैड, आज अगर मेरे डैड भी जिंदा होते ना वो भी इतना कुछ नहीं करते जितना आप कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारा डैड हूँ, कोई बात नहीं। अफसोस, पता ही नहीं था हमारा बाप जुए में इतना बड़ा कर्जा चढ़ा देगा हमारे ऊपर।
बाल बाल अब कर्ज में डूब चुका है। इतने सारे पैसे होते हैं हमारे पास तो कितने मसले हल हो जाते हैं हमारे, पता नहीं कहां से लाएंगे इतना सारा कर्ज। पर से वो विरासत का केस भी तो नहीं जीत रहे हम, वो सारे उधार उतार देते। अब तो ना मोहल्ले वालों को शक्ल दिखा सकते ना रिश्तेदारों। अम्मी आप परेशान नहीं, कोई ना कोई हल निकल आएगा इस मसले का। क्या मसले का हल होगा, अब तो सिर्फ शदीद जिल्लत रुसवाई और शर्मिंदगी होगी भाई। कल बैंक वाले आ धमकेंगे, परसों रिश्तेदार आ जाएंगे। नहीं भाई रोसा, अब तुम ही हो देखो जो कुछ कर सकती हो इस मसले का हल। हाँ मैं, हाँ तुम वलीद से कहो ना कुछ पैसे हमें उधार दे दे और फिर जो हमारा हिस्सा होगा हम उसमें से वापस कर देंगे इसे, है ना? हाँ। कौन सा हिस्सा, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है किसी हिस्से के बारे में। लो भाई सुन लो इनकी बातें, अब अगर तुम वलीद से इतनी भी बात नहीं मनवा सकती ना तो मोहब्बत के दावे पर ना लानत भेज दो। भेज चुकी हूँ। शहजाद तुम कल बैंक जाओ, जाकर पता करो इस मसले का आखिर क्या हल निकलेगा। ए भाई चला जाऊंगा बैंक, इतनी आसानी से कर्ज माफ नहीं होता, उल्टा किस्तें लगा देते हैं वो। जान को आ गई है, पता नहीं कहां से होगा ये सब कुछ, दिमाग खराब हो गया मेरा। पता नहीं भाई, अब तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा हमारे साथ। अब्बू कहां है, 3 दिन से अब्बू ना घर नहीं आए। पता नहीं कहां है, ना वो मुझे बताते हैं और ना मैं पूछना चाहती हूं। पता नहीं भाई, अब तो अल्लाह ही बचाएगा हमें इस मुसीबत से। अब क्या वो बच्चे को गोद में लेके घर वापस आएगी? और ये कौन सी दवा दिया डॉक्टर ने उसे कि यहां नहीं खाई जा सकती, मां के घर जाके खाई जा सकती है। बहुत हो गया, तुम जाओ और जाके उसे अभी के अभी लेकर वापस आओ। देखो मोहसिन, अब मेरी ना इन हड्डियों में दम नहीं रहा ये सारे घर के काम काज करने का। अरे नीलो बेचारी सारा दिन लगी रहती है, और जोया, जोया से नहीं अब होंगे ये काम काज करके। ठीक है, अगर जोया से काम नहीं होते तो उसकी तो मुलाजमा भी है ना, वो कर देगी। अच्छा, जोया की जो मुलाजमा है ना वो उसके काम करेगी, हमारे काम क्यों करने लगी वो? अम्मी साइमा इलाज करवा रही है, उसे करवा लेने दें। मोहसिन एक बात बता, अरे ये अचानक से उसे इलाज कराने की क्या सूझी? अम्मी साइमा को इल्जाम ना दें, वो तो आप लोगों के ताने सुन सुनकर औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, इतनी दिल बर्दाश्त हो गई है कि सब शिद्दत से एहसास होने लगा है। और आप लोग भी तो हर वक्त उसको जोया से कंपेयर करते रहते हैं, कितना बर्दाश्त करेगी, कितना जब्त करेगी। एक बात कहूं, शायद आपको बुरा लगे इसीलिए पहले से सॉरी कह रहा हूं, अच्छा मुझे भी नहीं लगता, तकलीफ होती है। अरे मोहसिन मैंने तो जो कुछ भी उसे कहा ना उसकी भलाई के लिए कहा है, उसे बुरा लग गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी बेटा देखो, ये औलाद का होना ना होना तो सब ऊपर वाले के अख्तियार में है ना, वो जिसे चाहे औलाद दे। और तू क्या समझता है, क्या तेरे लिए मैं दुआ नहीं करती? तेरे लिए हमेशा दुआ मांगती हूँ। अरे मेरा तो दिल तड़पता है तेरी औलाद की शक्ल देखने के लिए। माँ हूं ना, क्या तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी? साहब इसी तरह से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाए। जी तार, अल्लाह तुझे औलाद की नेमत से नवाज। मैं गया था राहिल के ऑफिस, अच्छा मेहनती लड़का, अपना सारा बिजनेस तो उसने बीनी को दे दिया, अब वो खुद चाह रहा है कि नए सिरे से कोई बिजनेस शुरू करे। तो आपके ख्याल में मुझे उसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। तुम जो कर रहे हो वो तुम करते रहो, उसे बिजनेस के लिए पैसा मैं दूंगा, मेहनत उसकी होगी और जो नफा होगा वो 50-50 कर देंगे।
उसका भी भला हो जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। देख लें बाबा, अगर लॉस हुआ तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत नाजुक रिश्ता है। अरे नहीं होता नुकसान, अभी 10 लाख प्रॉफिट कमाया से छोटे से काम के अंदर, और 4 लाख समझदार है। और फिर बिजनेस में तो बेटा नुकसान और नफा तो साथ साथ चलता रहता है। सबा और बीनी भी यही चाहती है कि मैं राहिल से पढ़ने शुरू करूँगा। ठीक है, इफ यू थिंक सो, अगर आपको लगता है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है तो गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बाबा, कितना कमजोर हो गया मेरा बेटा, इतना उदास रहने लगा। सबा से कहता हूं तो नाराज होती कि मैं अपनी भांजी के लिए मर रहा हूं, तड़प रहा हूं। अरे कैसी मां है ये, बेटे की दिली कैफियत से वाकिफ नहीं है। अफसोस है। हेलो बिनी यार, मैंने कुछ घर देखे हैं ना, तुम भी देख लेना, जो पसंद है वो फाइनल कर लेंगे। यहाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बैठे बैठे घर का ख्याल आ गया? क्या हो गया बेबी, मैं क्या जिंदगी भर घर दामाद बनकर रहूंगा? देखो मेरी मजबूरी थी ससुराल में रहना, अब मेरी पोजीशन बिल्कुल बेहतर हो चुकी, तो क्यों ना मैं अपने घर में रहूं। और वैसे भी मेरी गैरत और मेरी मामा इस बात की इजाजत नहीं देती। कौन सी माँ जो महीनों महीनों तुम्हें फोन नहीं करती, उसकी इजाजत की जरूरत है तुम्हें? करती हैं, मेरी माँ हैं, जैसी भी हैं मैं उनकी बात सुनता हूँ। खैर देखो, मेरा दिल चाहता है कि मेरा खुद का घर हो और मैं तुम्हारे साथ रहूँ। अच्छा, अभी हम कहाँ रह रहे हैं? हाँ तुम्हारे ही घर में हूँ। देखो मैं मानता हूँ इस घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कोई मसला मसाइल नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, ऐश ही ऐश है। लेकिन अब मैं अगर किसी पोजीशन में आ गया हूँ तो व्हाई नॉट मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। वेरी गुड, देखो फिलहाल हम कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लेंगे और उसके बाद जब पैसे हो जाएंगे दोनों मिलके एक अच्छा सा घर ले लेंगे। अच्छा जी, बहुत खुश हो? ऑफ कोर्स मेरी जान। देखो अब ससुराल के टुकड़ों पे पड़ने वाला मैं बेगैरत तो हूं नहीं, मेरी इज्जत और मेरी अना इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दीजिए मैं किसी पे बोझ बनूं। हम अपने घर पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऐशी ऐश करते रहेंगे। तुम खुश हो ना? मैं खुश भी हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। Ah, so sweet of you. I love you. I love you too. क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मोहसिन कब आ रहा है? आधे घंटे में आ जाएगा। कैसे एक हफ्ता गुजर गया ना, पता भी नहीं चला। तुम ऐसे ही आ जाया करो, अकेली होती हो ना घर पर, तुम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। जब आपकी बहू आ जाएगी ना फिर तो आप कहेंगी कि क्यों आ जाते हो तुम लोग, कभी सुकून का सांस भी लेने दिया करो। कुछ भी कहती हो ना, कभी माँ औलाद के लिए ऐसा सोच सकती है? अम्मी मैं तो जा रही हूँ, लेकिन रूसा उसको भी तो अब अपने घर जाना चाहिए ना। हाँ वलीद आएगा तो भेज दूंगी। क्या मतलब है, तो वो खुद चली जाए ना, अब मुमानी और बीनी से लड़ाई में वो यहीं बैठी रहेगी क्या? मुझे तो ना सोच सोच के घबराहट हो रही है, बहुत ही खतरनाक बात है ये। लनु चाह तो इस मसले का भी कोई हल निकल आएगा, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अल्लाह बेहतर करेंगे। हाँ अम्मी, वो ना मैंने अपनी सास को ये बताया कि डॉक्टर के और दवाइयों के सारे पैसे जो हैं वो आप दे रही हैं। क्यों, ये झूठ क्यों बोला तुमने? क्यों भाई,
वो जोया जो है हर वक्त मेरा मैका, मेरी मम्मा, मेरे डैडी हर वक्त ये करती रहती है, और मेरी सास मेरे मैके और उसके मैके का मवाजना करती रहती है। इतना दिल जलता है मेरा, इतना गुस्सा आता है मुझे। वो तो रही अमीर घर की इकलौती बेटी, उसके माँ बाप तो लाखों रुपया लुटाते हैं उस पर, और मैं गरीब घर की भूखी। मेरे माँ बाप तो एक ढंग का जोड़ा भी मुझे लेके नहीं दे सकते। लेकिन हमने तुम्हारी सास से कुछ छुपाया तो नहीं था, सब जानती थी वो। और फिर जोया, जोया से हमारा क्या मवाजना? तो फिर ये मुकाबलेबाजी क्यों? ये तो आप कह रही है ना अम्मी, वहां जाके देखे क्या क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है ना, दिल जलता है मेरा। कभी कभी तो मुझे पछतावा होता है कि मुझे जोया और बिलाल की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, अपनी किसी बैकग्राउंड की लड़की को ले आती तो ठीक रहता। बस कर दो अब ऐसा कह के, अपनी नेकी जाय नहीं करो भाई। बिलाल के नसीब में थी जोया, तुम कोशिश ना करती तो कोई और कर लेता। नसीबों से कोई लड़ता है क्या? अब ऐसा सोच के अपनी नेकी जाय नहीं करो, बस अल्लाह से बेहतर सिले की उम्मीद रखो। अच्छा चलो मोहसिन को फोन करो, पूछो कब आ रहा है। कर रही। एक काम करते हैं, चलते हैं इसके घर, देख लेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा। रूसा, ये देखना चाहता हूँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और रूसा, जानती हो ना कि ज्यादा दिन तक अपने शौहर और ससुराल को अकेला नहीं छोड़ते। तुम जब से आई हो तुमने वलीद से कोई राबता नहीं किया, और उसने भी तुम्हें कॉल नहीं की। क्या बात है, कोई झगड़ा हुआ? बताओ मुझे, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम फिक्र मत करो, ये मेरा मामला है, मैं कॉल कर लूँगी। अच्छा तो फिर वादा करो कि तुम उसे कॉल करोगी। इतना अमीर और हैंडसम शौहर है, ऐसे कोई खुला छोड़ता है क्या उसे? वो इंसान है। हाँ, और इंसानों को ना चिड़ैलें चिमट जाती हैं, और तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं। मोमानी तो कहेंगी बहुत अच्छी बात है भाई, जान छूटी। जानती हो ना तुम कितनी नफरत करती है मां से। वलीद ऐसे नहीं है, वो मेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकते। अच्छा, बड़ा मान है तुम्हें, लेकिन उसने तो तुम्हें कॉल भी नहीं की। बड़ी खतरे वाली बात है ये, मामी और बीनी वहां पे उसका ब्रेन वॉश करी होंगी, तुम्हारे खिलाफ भड़का रही होगी उसे। ऐसा कुछ नहीं है अभी, मैं उसे कॉल कर लूंगी, और मैं जरा नफरत दिखा रही हूँ, इतना हक तो बनता है ना मेरा। उसने रब्ता ही नहीं किया, उसे मेरी बात का यकीन नहीं होगा। अगर होता तो वो मुझसे एक बार जरूर रब्ता करता। क्या फायदा ऐसे शख्स के साथ कैसे रहा जा सकता है जिसके दिल में आपका एतबार ही खत्म हो चुका हो। मैं वलीद को इतना कमजोर नहीं समझती थी, मुझे तो लगता था मुझे हर मुश्किल परेशानी से ढाल बनकर बचा लेगा, जबकि वो तो एतबार ही नहीं करता मुझ पर। मेरी वजह से अम्मी अपना हिस्सा भी वसूल नहीं कर रही, और मैं फिर भी यहां खुश नहीं हूं। मुझे तो वलीद से अम्मी के हिस्से के बारे में बात करनी थी, जबकि उसने हमें और मुश्किलात में डाल दिया है। अब्बू भी कितने दिन से गायब है, ना जाने कहाँ है, कहीं किसी नए चक्कर या नए धोखे में तो। या अल्लाह, रहम कर हम पे। अबू तू यहाँ बैठा था? शायदा दिला था मुझे और पूछा था अबू कहाँ है, बता दो कहाँ छुपे। मैं तुम्हें क्या बता? अबे मैंने क्या बताना, मैंने कह दिया मुझे नहीं पता। और क्या कह रहा था, क्या बताया?
बैंक वालों ने 2.5 लाख रुपया खर्चा भेज दिया तुम्हारे घर पर। बहुत परेशान था वो। बैंक वाले का बक्सा सफर क्या करते हैं, 5 माह से किस्ते नहीं दी। अरे तुमने भी तो बड़ा जुल्म किया अपने घर वालों पे यार, और अब यहाँ बैठा रो रहा है, और ना घर का रहा ना घाट का। अब लानत तेरे पे कबीरे घटिया आदमी, मेरे साथ तूने मजे किए हैं और अब आके यहाँ जूते मार रहा है। अगर मदद नहीं कर सकता तो हौसला भी छीनना मेरा। अरे सही कहा किसी ने, दोस्त को पहचानो बुरे वक्त में, किसी बुजुर्ग ने ठीक कहा। अरे तुम तीनों मुस्टंडों ने ऐश किए, मेरे पैसों पर मजा किया और बगदाने में मुंह मेर लिया, रास्ता बदल लिया अपना। अरे तू कमबख्त नीली टोपी वाले। अब ऐसा ना बोल यार, मैं तो आज की तरह हाल पूछता हूँ, और बाकी रही जहाँ तक सवाल मदद का, भाई मदद मैं कहाँ से करूँगा, मैं तो खुद गरीब पेशा आदमी मजदूर हूँ। अरे ये बस्ता लेके क्यों घूम रहे फिर? मैं कहता हूँ अभी भी घर चला जा, भाभी से माफी मांग ले, पाँव पड़ जा, समझा? सही तुझे मथुरा दे रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी। अबे नोट है तो दे, मशवरा दे रहा हूँ। अबे नोट कहाँ से आए? अबे तो जा, अबे निकल, निकल यार। अबे एक तो मथुरा दे रहा हूँ ऊपर से। अबे जा। घर से बाहर आ जाना, मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी, तुम घर के अंदर ना आना बेटा। खुदा हाफिज़। कोई हल नहीं मेरे पास और, या अल्लाह वो मेरी बात समझ जाए, अल्लाह वो मेरी मदद कर दे, तो बस वही आखिरी उम्मीद है मेरी। बजी क्या हुआ? बैग में से पैसे गायब हैं। आपने इसी में तो रखे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने इसी में ही रखे थे। 30 से 35 हजार रखे थे और अभी सिर्फ 10 हजार हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो किसी को दिए भी नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ चले गए? बजी कहीं चोरी तो नहीं हो गए? मेरे घर में ये पहली वारदात है चोरी की। अरे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी की कोई चीज उठा ली हो या चुराई हो। ज़ोया, पर्स में कितने पैसे थे? 25,000 से ज्यादा ही थे। बात पैसों की नहीं है, बहुत ही नाजुक मामला है, घर में चोरी हुई है, अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अच्छा वो जो मेरी हाजन खाला है ना, उनके पास मैं जाऊंगी। अरे भाई ये सब कुछ जो हमारे घर में हुआ है ना, उनके एक तावीज की करामत से हल हो जाएगा।
तुम देखना वो ऐसा तावीज देंगी कि अगर हम उसको रखेंगे ना तो जिसने चोरी की है ना वो खुद आके पैसे तुम्हारे पर्स में रख के चला जाएगा। आजमाई भी बात है मेरी, बस तुम परेशान मत, फिक्र मत करो, सब पता चल जाएगा। नहीं रहने दें, मैंने ही एहतियात नहीं की, मेरी लापरवाही की सजा मिली है मुझे, आइंदा एहतियात करूंगी। मुझे अब रेस्ट करना है और प्लीज बिलाल ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो। हाँ जोया देखो तुम परेशान ना हो, कहीं परेशानी से तुम्हारी तबीयत ही खराब ना हो जाए। नहीं भाई प्लीज तुम टेंशन मत लो, हाँ ख्याल रखो अपना। अल्लाह ना करे तबीयत खराब हो, हाँ कुछ नहीं होगा। और ये जो कुछ पैसे गए ना समझो हाथ का मैल था, तुम्हारी जान का सदका था बेटा। अच्छा अम्मी चले छोड़े, जोया ठीक कह रही है, इंसान को खुद ही एहतियात करनी चाहिए। चलो जोया। मुझे तो लगता है ये चोरी मुलाजमा ने की होगी वैसे। हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैंने तो इस डर से बात नहीं की कि जोया नाराज ही ना हो जाए। पता तो है तुम्हें जोया का, मेरी बात सुनो, ये बात है बस दे जाओ, है ना।